नारायण नारायण दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है। हम सब अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कुछ ना कुछ उपाय करते ही रहते हैं। दोस्तों, ऐसा मौका हर किसी को बार बार नहीं मिलता है, और जो मैं बताने जा रही हूँ, यदि आप ये उपाय करते हैं तो आप एक साथ अपने पितरों को भी प्रसन्न करेंगे, और उसके साथ ही साथ आप माता रानी का आवाहन भी करेंगे। आपको क्या करना है कि 14 अक्टूबर जिस दिन की अमावस्या है और ग्रहण भी है, ग्रहण तो रात के समय लगेगा, 8:35 से ग्रहण शुरू होगा जो कि 2:25 तक चलेगा रात को, तो हमारे देश में तो दिखाई पड़ने वाला नहीं है, तो ना तो वो ग्रहण का हमारे देश में किसी पर कोई असर होगा, ना ही उसका कोई सूतक लगेगा, तो इसलिए ग्रहण भी होगा पर ग्रहण हमारे देश में मान्य नहीं होगा। तो उस दिन 14 अक्टूबर को सुबह के समय आपको क्या करना है कि आपको थोड़े से चावल एक कटोरी में डालकर रख लीजिए, और फिर उस कटोरी में ऊपर एक कपूर की टिकिया रख लीजिए, और वो कटोरी जिसमें आपने चावल और कपूर की टिकिया रखी है, वो कटोरी आप अपने पूजा घर में रख दीजिए। आप अपने पूजा घर में आपको जहाँ भी सही लगता है वहाँ रख सकते हैं, गणेश जी के पास, लक्ष्मी जी के पास, या आपने माता रानी की मूर्ति लगा रखी है, वो जो भी हो आप उनके वो पूजा घर में वो कटोरी अमावस्या के दिन रखी जानी चाहिए, और पूरे दिन रखी रहनी चाहिए। उसके बाद पूरी रात भी वो कटोरी आपके पूजा घर में रखी रहनी चाहिए, वही कटोरी जिसमें आपने चावल और कपूर की एक टिक्की रखी है। अब अगले दिन सुबह जब अमावस्या तिथि समाप्त हो जाती है और प्रतिपदा तिथि आरंभ हो जाएगी, ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये तभी करते हैं जब नवरात्रि आरंभ होने वाली होती है। नवरात्रि आरंभ होने से पहले जो अमावस्या आती है उस पर ये कार्य किया जाता है। तो आप अगले दिन जब तक प्रतिपदा तिथि आरंभ नहीं होती है तब तक आप उन सामान को अपने पूजा घर में ही रखा रहने दीजिए। सुबह उठकर नहा धोकर फिर वो कटोरी ऐसी की ऐसी उठाइए जिसमें आपने कपूर डाल के रखा हुआ था, वो कटोरी ऐसी की ऐसी उठाकर और उस कटोरी को आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ, आपके घर के मुख्य द्वार के बाहर की तरफ उस कटोरी को रखिए, और उसमें रखे हुए कपूर को प्रज्वलित कर दीजिए। आसपास रहिए जिससे कि कोई और उस कटोरी को उठाकर ना ले जाए। जब उसमें रखा हुआ कपूर पूरी तरीके से जल जाता है तो उस कटोरी के चावलों को लीजिए, कटोरी आपको वापस अपने घर में रख लेनी है तो आप ऐसा कीजिए, उस कटोरी में जो चावल हैं उन चावल को लीजिए और आसपास ले जाकर किसी भी वृक्ष के नीचे रख दीजिए जिससे कि उस पर किसी और के सिग्नेचर ना हो, किसी के पैरों, कोई उसके ऊपर अपने पैर ना रखे, पक्षी खा लें, चींटियां खा लें, इस ऐसी जगह पर ले जाकर डाल दीजिए और उसके बाद अपने घर आ जाइए। कटोरी आप अपने घर में लाकर अपने घर में रख लीजिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक साथ में अपने पितरों को भी प्रसन्न करते हैं और माता रानी का आवाहन भी कर लेते हैं। ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, इसको भूलिएगा मत जो मैंने आपको बताया है, इसको कीजिए और अपने घर के सुख समृद्धि के द्वार खोल दीजिए। आप यदि ऐसा करते हैं तो आपके घर के अंदर लक्ष्मी, सुख समृद्धि, बरकत सब आने के लिए बेताब हो जाएंगे। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपने नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। नारायण नारायण।